गुज़िश्ता हुकूमतों ने ऐसे कर्जे लिए हैं जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब जबकि हमने 35,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया। अगर यही पैसा मुल्क पर लगता तो मुल्क बेहतर हो जाता। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा बंडल आइलैंड पर हुकूमत सिंध से बात कर रहे हैं, बंडल आइलैंड पर बाहर से पैसा आएगा। पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद नून लीग ने रखी। ऑपोजिशन इत्तेहाद में बराबरी की सतह पर बैठे हुए थे, किसी के मातहत नहीं। 11 अप्रैल को सीईसी इजलास के बाद लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी की एएनपी रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में इफ्तिखार ने कहा पीडीएम छोड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं की। मालूम नहीं शो कॉज नोटिस देने वालों को क्या जल्दी थी। गिलानी को वोट देना जमहूरी इंतखाब था। पीडीएम मुत्तहिद है। मौलाना फजल रहमान ने झूठे इख्तलाफात पर जवाब तलब किया है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब करदमल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज की तबीयत अब बेहतर है, जल्द सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। हुकूमत के अतराफ चीनी चोर बैठे हैं। राना सनाउल्ला ने कहा कि जहांगीर तरीन जब चाहें हुकूमत का धड़न तख्ता कर दें। उनकी दाएं जेब में पंजाब और बाएं जेब में वफाकी हुकूमत है। बैंकिंग कोर्ट के बाद शुगर स्कैंडल में तलबी जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन आज FIA में पेश होंगे। 5 सवालात की तफसीलात हमराला ने की हिदायत। सवालनामा भिजवा दिया गया था। FIA के मुताबिक अली तरीन ने वालिद के साथ मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। तरीन के बाद खुसरो की बारी। FIA ने वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल को नोटिस जारी कर दिया। इंतजामिया को 15 अप्रैल को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। मखदूम शहरियार को सट्टे के जरिए फरोख की गई चीनी की दस्तावेजात साथ लाने का हुक्म। नैब का महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा, चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। हम कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं। कराची तजावजात केस में सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। शराय कायदीन पर कायम टावर गिराने का हुक्म। ये क्या रिपोर्ट है? हर जगह लिखा है रिपोर्ट का इंतजार है। चीफ सेक्रेटरी साहब ऐसे अफसर फारिग करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। किरदे हिल पार्क के मुतासरीन को मोहलत देने की इस्तदा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर एक्शन। SBCA ने शराह कायदीन पर वाकया नस्ता टावर के मकीनों को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज के अंदर इमारत खाली करने का हुक्म। कहा गया कि इमारत को बगैर कंप्लेक्शन प्लान हासिल किए आबाद किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नोटिस मिलने पर इमारत के मकीन परेशान। कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार और करोड़ों लोग मकरूज हुए। कोरोना के साथ लोगों को बेरोजगारी से भी बचाना है। वजीर आजम का D8 वर्चुअल सबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में कोरोना से मजीद 106 अमवात, 5,641 नए केसेज रिपोर्ट। असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ का दौरा काबुल। मुलतवी एयरपोर्ट के करीब इमारत में धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की इत्तला थी। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नजर तैयारे को लैंडिंग से रोका। एयरपोर्ट कमांडर की वजाहत। अफगान पार्लिमान के सरबराहान का असद कैसर को अलग अलग टेलीफोन। कहा पाकिस्तानी वफ की सिक्योरिटी हर चीज पर मुकदम है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अस्करी क्यादत का कश्मीरी भाइयों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल का जायजा। शुरका ने पाक भारत DGMOs के दरमियान मुहायदे के बाद सूरत हाल पर गौर भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।